हेलो एवरीवन, तो आइए चलते हैं किचन में और आज बनाते हैं फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने लिए चावल, धुल करके उसमें पानी ऐड किया है और ढक्कन लगा करके गैस पर चढ़ा दिया है। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं, एक सीटी आने तक इसको पकाना है, तब तक हम अपनी सब्जियां चॉप कर लेते हैं। तो सब्जियों में हमने लिया है प्याज, उसको भी चॉप कर लेते हैं। आपके पास जो भी हरी सब्जियां हैं आप सारी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियां जो थी हमारे पास, हम उन सब्जियों को डाल रहे हैं। तो हमने प्याज चॉप कर लिया है, टमाटर चॉप कर लिया है और उसके बाद अलग हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर पत्ता गोभी, इसको भी चॉप कर लिया है। और आप कैसे बनाते हैं आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा बनाना पसंद है फ्राइड राइस। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कैबेज काटने के बाद हमने काट लिया बीन्स और मटर। तो मेरी सारी सब्जियां कट हो गई हैं। हम डालते हैं कढ़ाई में तेल, कुकिंग ऑयल कोई भी डाल सकते हैं थोड़ी। और उसमें सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली के बाद हमने इसमें डाला है प्याज, जीरा। थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड करते हैं बीन्स और मटर। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस पर हम नमक डालेंगे ताकि जल्दी पक जाता है। और थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट में आराम से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसके बाद हम ढकने देखते हैं दोबारा से खोल करके, तो हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। फिर इसमें बाकी की सब्जियां हम ऐड करते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी है, हरी मिर्च है, टमाटर है। रोस्ट करने के बाद टमाटर को हम पत्ता गोभी डाल करके थोड़ा सा भूनते हैं। और इसको भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा कुक किया हुआ चावल है। सॉरी, इससे पहले हम डालेंगे इसमें मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्च। फिर डालते हैं चावल, कुक किया हुआ, और फिर हम सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालते हैं, इसमें एक मैजिक लाने के लिए, एक मैजिक मसाला। मैजिक मसाले का टेस्ट में अलग सा मैजिक रहता है। जिस चीज़ में डाल दो, सब्जी हो या फिर मैक्रोनी पास्ता, जो भी आप बनाते हैं डाल देते हैं, अलग सा टेस्ट आता है। और उसके बाद धनिया पत्ता और मूंगफली डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम सर्व करते हैं। आप चाहे तो इसमें टमाटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।